खरगोन जिले के कसरावद में वार्ड क्रमांक 4 में एक अज्ञात व्यक्ति एक बच्चे को घर से उठाकर ले जा रहा था। उसे पकड़कर थाने ले जाकर पुलिस के हवाले किया। इस दौरान गांव के ही लल्लू राठौड़ ने उस व्यक्ति को बच्चा ले जाते देखकर धर दबोचा। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम निवास तोरणमल बताया और कहा कि बच्चा मेरा है, लेकिन लल्लू राठौड़ ने बताया कि बच्चा दीपक भाई का है। बच्चे की माता रेखा सोलंकी ने बताया कि एक व्यक्ति बच्चे को ले जा रहा था और मारपीट कर रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की है। हालांकि पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया है। खरगोन से संवाददाता जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये व्यक्ति एक जो है मेरे बच्चे को आज आंगनवाड़ी सुबह से 11 बजे उठा के ले गया। मैंने छीना तो बोले कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मैंने कहा कि चलो ड्रिंक वाला जाने दो भैया। फिर दूसरी बार रोड पे से उठाया, फिर भी मैंने जाने दिया। तीसरी बार मेरे घर 3 बजे आके बच्चे को उठा के ले जा रहा था। कहाँ का है, आपकी कोई जान पहचान का है? नहीं, फर्स्ट टाइम देखा आज ही। और आज 3 बार उठा लिया, एक ही बार में, एक दिन में 3 बार उठाया इसको। और मैंने जब छीना झपटी करी तो मेरे को मारपीट करके नंदे घुसड़ने लग गया। कहाँ का लगता है ये? कुछ पहचान में तोरणमाल का हूँ मैं, बोले तोरणमाल का ऐसा बोल रहा था। तोरणमाल साइड का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा सोलंकी है, रेखा दीपक सिंह सोलंकी। जो व्यक्ति को लेके आए, किस संबंध में लेके आए थे? भैया, इसने वार्ड क्रमांक 4 से बच्चे की चोरी करी थी और मेरा उधर से निकलना हुआ। मेरा निवासी वही है वार्ड क्रमांक 4 में। मैंने देखा कि यार ये बच्चे को चोरी करके ले जा रहा है। हमने इससे पूछताछ करी और महिलाओं से ये मारपीट कर रहा था, तो उस टाइम पे हमने इसको पकड़ लिया। पकड़ा इसको, बोला तो ये बोलने लगा कि यार मैं वहाँ का हूँ, अपने तोरणमाल का, और बोले ये बच्चा मेरा है, जबकि एक्चुअली में ये बच्चा अपने दीपक भाई का था। तो इसको हम पकड़ के ना अभी थाने पे लेके आए हैं। तो क्या कार्रवाई की गई है अभी थाने पे? अब लेके आए हैं तो अब क्या कार्रवाई हो रही है अब हमें पता नहीं है कि अभी क्या कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लू राठौड़, पिताजी का नाम राजेश्याम राठौड़, नया नगर वार्ड क्रमांक 3 निवास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।